हाँ तो दोस्तों देखिए, यहाँ जो अभी 33 वाट का चार्जर रेडमी का यानी कि एमआई का, तो बहुत ही फालतू है। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप, चार्ज में लगा रहे हैं तो नहीं लग रहा है। देखिए चार्ज नहीं ले रहा है। देखिए अभी खोला हुआ है और बता रहा था कि मतलब चार्ज में जैसे आवाज़ होता है उस टाइप का। और मेरा भी चार्जर है तो मैं 2 महीना से लगभग फेस कर रहा हूँ ऐसा, कभी होता है कभी नहीं होता है, इसलिए मैं पूरी पूरी चार्ज भी नहीं कर पाता हूँ कभी। अभी देखिए मेरा मोबाइल में 14% चार्ज है और इस चार्जर में लगा रहा हूँ तो भी कभी ले रहा है कभी नहीं ले रहा है। अभी देखिए यहाँ पर देखिए नहीं ले रहा है, वहाँ देखिए लगा हुआ है। अभी लगाइए फिर से, तो बहुत ही दिक्कत आ रहा है 33 वाट वाला रेडमी का चार्जर में। तो आप लोगों को भी अगर ऐसा प्रॉब्लम फेस हुआ है तो आप लोग कमेंट में बताइए और देखते हैं फिर इसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। नहीं तो फिर ये भी मतलब ज़्यादा उड़ने लगा, ज़्यादा कमा लिया है ना रेडमी वाला, तो नोकिया की तरह इसका भी। हाँ तो दोस्तों देखिए, यहाँ जो अभी 33 वाट का चार्जर रेडमी का यानी कि एमआई का, तो बहुत ही फालतू है। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप, चार्ज में लगा रहे हैं तो नहीं लग रहा है। देखिए चार्ज नहीं ले रहा है। देखिए अभी खोला हुआ है और बता रहा था कि मतलब चार्ज में जैसे आवाज़ होता है उस टाइप का। और मेरा भी चार्जर है तो मैं 2 महीना से लगभग फेस कर रहा हूँ ऐसा, कभी होता है कभी नहीं होता है, इसलिए मैं पूरी पूरी चार्ज भी नहीं कर पाता हूँ कभी। अभी देखिए मेरा मोबाइल में 14% चार्ज है और इस चार्जर में लगा रहा हूँ तो भी कभी ले रहा है कभी नहीं ले रहा है। अभी देखिए यहाँ पर देखिए नहीं ले रहा है, वहाँ देखिए लगा हुआ है। अभी लगाइए फिर से, तो बहुत ही दिक्कत आ रहा है 33 वाट वाला रेडमी का चार्जर में। तो आप लोगों को भी अगर ऐसा प्रॉब्लम फेस हुआ है तो आप लोग कमेंट में बताइए और देखते हैं फिर इसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। नहीं तो फिर ये भी मतलब ज़्यादा उड़ने लगा, ज़्यादा कमा लिया है ना रेडमी वाला, तो नोकिया की तरह इसका भी।